ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये एक और लॉ है जो गैस को हम स्टडी कर रहे हैं, गैस लॉज में से। अनदर लॉ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। वेन एवर वी स्टडी गैसेज, ये लॉ काफी एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि प्रेशर एक ऐसा क्राइटेरिया, एक ऐसा पैरामीटर है जो कि गैसेज को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये लॉ की स्टेटमेंट क्या है? लॉ कहता है कि द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मतलब गैसेस आपस में रिएक्ट ना करें जब हम उन्हें इकट्ठा डालें तो, ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। ये है जी इस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट, द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अगर मेरे पास एक मिक्सचर हो ऐसी गैसेस का जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती, तो उन गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? उन गैसेस के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है। पार्शियल प्रेशर हमें पता होगा तभी तो हम किसी भी गैस का जो है वो टोटल प्रेशर निकाल सकेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर ये होता है कि अगर एक गैस जो है एक वॉल्यूम के अंदर मौजूद है, तो उस गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो जो कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द प्रेशर ऑफ दैट गैस, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। अब बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली मिक्सचर्स की। सपोज कर लें जी एक गैस वन थी, उसका पार्शियल प्रेशर मेरे पास पी वन है, गैस नंबर वन का। गैस नंबर टू का पार्शियल प्रेशर पी टू है और गैस नंबर थ्री का पार्शियल प्रेशर पी थ्री है। तो जो अगर मैं इन तीनों को उठा के एक कंटेनर के अंदर डाल दूं, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री के। ये लॉ है जी आपके पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसकी एग्जांपल समझते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सपोज करते हैं जी कि हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब 10 लीटर ऑफ गैसेस हैं, ऑफ थ्री गैसेस। कौन कौन सी? 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मेरे पास है मीथेन CH4, एंड सिमिलरली 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ O2। मतलब क्या है कि मेरे पास तीन कंटेनर हैं, तीनों कंटेनर का वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है, एक के अंदर हाइड्रोजन है, दूसरे के अंदर CH4 है मीथेन, और तीसरे के अंदर ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन वाले के अंदर हाइड्रोजन का जो प्रेशर है दैट इज 400 टॉर, एक एग्जांपल है आपकी बुक में भी है। मीथेन गैस का जो प्रेशर है दैट इज 500 टॉर्स, एंड ऑक्सीजन का कितना है 100 टॉर। अब ये इन सब के इंडिपेंडेंट प्रेशर हैं, जबकि ये तीनों गैसेस अलहदा अलहदा कंटेनर्स के अंदर मौजूद हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन सब को उठाया, एक नया चौथा सिलेंडर लिया जिसका वॉल्यूम सेम है, और इसके अंदर उठा के
तीनों गैसेस डाल दी, हाइड्रोजन के 10 डेसीमीटर क्यूब, CH4 के 10 डेसीमीटर क्यूब और ऑक्सीजन के 10 डेसीमीटर क्यूब। अब जो इस कंटेनर के बाहर टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ CH4 एंड प्रेशर ऑफ O2। ये जो टोटल प्रेशर होगा ये बराबर होगा 400 प्लस 500 प्लस 100 टॉर के। तो ये जो मेरे पास टोटल प्रेशर आएगा दैट वुड बी PT, टोटल प्रेशर वुड बी 1000 टॉर। ये है जी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के। अगर जो उनसी हैं नॉन रिएक्टिंग गैसेस हों और उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो बराबर होगा उनके इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। ये तो था जी आपके पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास इस कंटेनर के अंदर तीन गैसेस थी, हाइड्रोजन, CH4 एंड ऑक्सीजन, ये तीनों इस कंटेनर के अंदर इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं। फॉर क्यों, क्योंकि इनका अलग-अलग जो प्रेशर था जो इन्होंने अलग-अलग कंटेनर्स के अंदर मेंटेन किया हुआ था वही प्रेशर इन्होंने यहाँ पर भी मेंटेन किया हुआ है। ये इंडिपेंडेंटली जो थी हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। मतलब क्या है कि इनके मॉलिक्यूल्स के पास इक्वली अपॉर्चुनिटी है कि वो इनकी कंटेनर ऑफ वॉल्स के साथ, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड कर सके। तो ये था जी टोटल प्रेशर, इसी वजह से इन सबके प्रेशर के इक्वल होता है। अब चूंकि गैसेस इंडिपेंडेंटली मूव कर रही हैं, कोई रिएक्शन भी नहीं हो रहा, तो हम जनरल गैस इक्वेशन को जो है अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अब जनरल गैस इक्वेशन कैसे अप्लाई होगी, जनरल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। अब सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं फोर हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा PH2, वॉल्यूम सेम है, R और T भी सेम है, चेंज क्या हो रहा है NH2। तो अगर मैं प्रेशर को इधर ही रहने दूं, PH2 इज इक्वल टू NH2 RT ओवर V, तो इससे हमें पता क्या लगा कि जो प्रेशर है हाइड्रोजन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके नंबर ऑफ मोल्स के। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ से आई क्योंकि ये सारी चीज क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह अब अगर इसको मैं CH4 के लिए लिखूं तो ये होगा PCH4 इंटू V इज इक्वल टू NCH4 इंटू R ऑफ NT। इसको अब मैं रीअरेंज कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा RT ओवर V। सिमिलरली RT ओवर V कांस्टेंट है, तो पता क्या लगा कि प्रेशर ऑफ CH4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके नंबर ऑफ मोल्स के। और अब मैं आखिरी इसको ऑक्सीजन के लिए भी लिख लेता हूँ, P ऑफ O2 इंटू V इज इक्वल टू N ऑफ O2 इंटू R एंड T। प्रेशर को मैं साइड पे जब करूँगा सेपरेट तो ये उसी तरह RT ओवर V, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो पता लगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, नंबर ऑफ मोल्स के। अब ये जो इक्वेशंस थी हमने डाल्टन लॉ की डेफिनेशन में पढ़ा है कि PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो हमारे पास जो अब गैसेस का मिक्सचर है उसके अकॉर्डिंगली ये किसके बराबर हो जाएगा, PT इज इक्वल टू PH2 प्लस PCH4 प्लस PO2। अब PH2 की वैल्यू इक्वेशन हमने निकाली इस शक्ल में पीछे, इसी तरह PCH4 और PO2 की सबकी जो होती हैं मैं इसके अंदर जब पुट करूंगा तो ये बन जाएगा PT इज इक्वल टू N ऑफ H2 इंटू RT ओवर V प्लस N ऑफ CH4 इंटू RT ओवर V प्लस N ऑफ O2
इनटू आरटी ओवर बी। इक्वेशन थी पीटी इज इक्वल टू पीएच टू प्लस पी सी एच फोर प्लस पी ओ टू, ये पीछे भी लिखी, इन्हीं की वैल्यूज को हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे कॉमन मैं ले लेता हूँ आर टी ओवर वी, ये सबके अंदर कॉमन है, तो ये हो जाएगा एन एच टू प्लस एन सी एच फोर प्लस एन ऑफ ओ टू पी टी। अब टोटल तीन गैसेस थी हाइड्रोजन सी एच फोर और ओ टू, इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं टोटल कर दूं तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे जो टोटल गैस के अंदर मौजूद है। तो ये जनरल इक्वेशन आ गई पी टी इज इक्वल टू एन टी इंटू आर टी ओवर वी, और जब मैं वी को वापस उधर लेके जनरल गैस इक्वेशन की शक्ल में लिखूंगा तो ये हो जाएगा पी टी वी इज इक्वल टू एन टी इंटू आर एंड टी। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन की शक्ल आ गई है मोल एंड प्रेशर की शक्ल में। तो ये हमारे पास जो है जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस इक्वेशन जो है हमने पार्शियल प्रेशर से प्रूव की है। इसमें भी यही हमें पता लगा है कि जो टोटल प्रेशर है वो डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ मोल्स की। तो ये तो था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। अभी हमने स्टडी किया, सपोज कर लेते हैं हमारे पास गैस वन है एंड गैस टू, हमारे पास दो गैसेस के क्या हैं जी, मिक्सचर हैं। तो डाल्टन लॉ ऑफ, हमें दोनों गैसेस को पहले अलग-अलग थी, हमने सेम वॉल्यूम के अंदर इनको एनक्लोज कर दिया। अब अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी, ठीक है जी, ये था जी टोटल के लिए। अब गैस वन के लिए मैं अगर इसको लिखूं या गैस ए के लिए, आपकी बुक ने ए और बी इस्तेमाल किए हैं तो हम भी वही यूज करते हैं ताकि आसानी रहे। ए और बी, गैस ए के लिए ये हो जाएगा पी ए इंटू वी इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी। गैस बी, ये जो गैस बी है इसका लिखूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। ये मेरे पास जुमती है इक्वेशन तीन आ गई वन टू और थ्री। अब वो कहता है जी फर्स्ट टू इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, छोटी सी डेरिवेशन है और इजी। फर्स्ट टू इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ टू को वन से, तो ये हो जाएगा पी ए इंटू वी इज इक्वल टू एन ए इंटू आर टी डिवाइडेड बाय पी टी टोटल इंटू वी डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, ये नहीं आएगा, एन टी इंटू आर, ये कट जाएगा वी वी से कट जाएगा, इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूँ पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एन ए ओवर एन टी। अब एक चीज होती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, सपोज कर लें मेरे पास तीन चीजें हैं ए बी और सी, तो उस चीज को जब मेरे पास इकट्ठी मिक्स फॉर्म में है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने होंगे कि अगर मैं उसकी एक्स ए जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके बराबर होगा, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी के टोटल मोल्स में से ए की वैल्यू कितनी है वो होगा एक्स ए। अब इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा एन ए ओवर ए बी और सी तीनों के मोल्स को मैं इकट्ठा जब करूं तो ये एन टी हो जाएगा। तो ये मोल फ्रैक्शन है कि टोटल के अंदर ए की कंपोजिशन कितनी है, कितने परसेंट है, तो ये हो जाएगा पी ए ओवर पी टी इज इक्वल टू एक्स ए। और जब मैं पार्शियल प्रेशर निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसके मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास उस गैस का पार्शियल
प्रेशर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आगे चल के हमारी न्यूमेरिकल्स में और कैलकुलेशंस में इस्तेमाल होनी है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आप उस गैस के मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह जब मैंने हमने अभी 1 और 2 को डिवाइड किया था, अब मैं 1 और 3 को जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास उसी तरह सोल्व, जब आप इसको कर लेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय पी टी। तो ये है कैलकुलेशन के लिए हमने एक इक्वेशन बना ली, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टी एंड पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी टी। अब ये भी याद रखें कि एक अगर तीन मिक्सचर हैं 1, 2 और 3 तो जो तीनों की मोल फ्रैक्शन होंगी वो जब जमा करेंगे तो वो 1 होगी, ये 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास किसी चीज के 20 मोल हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक चीज थी उसके 20 मोल, दूसरी चीज थी उसके 10 मोल और तीसरी चीज थी उसके भी 10 मोल, तो मैं कहता हूँ मेरे पास 1x1 कितना है, पहली चीज की क्वांटिटी कितनी है, तो मैं उसके मोल्स को टोटल से डिवाइड कर दूंगा। टोटल कितना है 40, तो मेरे पास 50% परसेंटेज में जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन है ये 100 परसेंटेज में नहीं होती, ये आ जाएगी जी 0.5% जो है मेरे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है जी कि इसकी फ्रैक्शन इतनी है, तो ये मोल फ्रैक्शन होती है x a और x b। इसी चीज को अब हम अपने फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे और आगे जो कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 है उसमें हम इसको यूज भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड वेरी इजी वे। एग्जाम्पल नंबर 6 डेटा, वो कह रहा है जी देयर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड मीथेन, हाइड्रोजन हीलियम एंड मीथेन ऑक्यूपाइंग अ वेसल ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 13 डेसीमीटर क्यूब एंड टेम्परेचर इज 37 डिग्री सी, प्रेशर इज 1 atm। द मैसेज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, अब मास ऑफ दे दिया हुआ है हाइड्रोजन का, मास वो कह रहा है जी 0.8 ग्राम है एंड मास ऑफ हीलियम जो है वो 0.12 ग्राम है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर इन टॉर ऑफ ईच गैस, हमने क्या करना है इन तीनों गैसेस के, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर, pH2 फाइंड करना है, pHe फाइंड करना है और pOCH4 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होगा वही वाला, pH2 इज इक्वल टू x ऑफ H2 इनटू टोटल प्रेशर। तो इस फॉर्मूले के लिए हमारे जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी पहले हम वो निकालेंगे और फिर उन चीजों को यूज करते हुए हम अपना आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रेशर गिवन है 1 atm और आपकी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि ये जो आपने प्रेशर निकालने हैं तीनों के तीनों ये किसमें होने चाहिए, टॉर्स में। तो हम पहले प्रेशर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे atm में और एंड पे उसको कन्वर्ट कर लेंगे टॉर में। तो ये तो हमारे पास आया, जो चीज नहीं है वो ये है, ये हमारे पास नहीं है, हमें XH2 XHe और XCH4 चाहिए होंगे। XH2 हमें चाहिए, XHe और XOCH4 ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल्स। नंबर ऑफ टोटल मोल्स कैसे आएंगे कि अगर मैं तीनों के मोल्स को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे। इसी तरह इसका फॉर्मूला क्या होगा, n ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय n ऑफ t और ये होगा n ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय n ऑफ t। अब यहाँ पे जो चीज हमारे पास नहीं है वो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, लेकिन क्यों कहाँ से करेंगे, क्योंकि हमें मैथ जानता है वो गिवन है, तो मैथ से हम मोल्स निकाल लेंगे। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं मैथ को, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी हाइड्रोजन की, क्योंकि इसका मैथ हमें गिवन है, मैथ ऑफ H2 उसने कहा है जी 0.8 ग्राम है,
तो यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एम ओवर एम, ये स्मॉल एम इज 0.8 आपको गिवन है और कैपिटल एम एच टू का होता है 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.4 मोल्स आ गए किसके, एन ऑफ एच टू के। अब मैं निकालता हूं हीलियम के, क्यों, क्योंकि हीलियम का मास भी मुझे गिवन है, मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, ये हमें गिवन था जी 0.12 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू मास ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम ऑफ हीलियम। मास ऑफ हीलियम हमारे पास गिवन है और मॉलिक्यूलर मास हीलियम का कितना होता है 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.03। अब देखें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, मीथेन के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नहीं निकल सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास उसका मास स्टेटमेंट में दिया हुआ नहीं है, तो वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एच 4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एच 4 वो कैसे निकालूंगा कि अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स हों और उनमें से मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम के माइनस कर दूं तो मेरे पास इसके निकल आएंगे, ये तो मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, नंबर ऑफ टोटल मोल्स मेरे पास नहीं है, तो अब मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकालने हैं, मेरे पास तो गैसेस का मिक्सचर है, तो मिक्सचर में हमने भी ये स्टडी किया है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होल्ड करती है, तो यहां से मैं नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकालूंगा या फिर जो एन निकलेगा वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा, वो होगा जी पी टी इंटू वी डिवाइडेड बाय आर एंड टी। अब पी टोटल हमें गिवन है 180 एम था, वॉल्यूम उसने दे दिया हमें शुरू में 13 डेसीमीटर क्यूब, आर उसने कहा 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर भी उसने दिया हुआ था 37 डिग्री सी, तो वो केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन, तो यहां से मेरे पास एन ऑफ टी निकल आएगा, एन ऑफ टी कितना है जी 0.51 मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतने थे, एन ऑफ सी एच फोर मेरे पास नहीं है, एन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी हमने निकाल लिए हैं दैट इज 0.4, और एन ऑफ हीलियम जो है वो भी हमने निकाल लिए हैं दैट इज 0.03। अब टोटल नंबर में से अगर मैं इन दोनों के माइनस कर दूं तो जाहिर सी बात है पीछे ये बच जाएगा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन मैं यहां से निकालूंगा, एन ऑफ सी एच फोर इज इक्वल टू एन टी माइनस एन एच टू प्लस एन ऑफ एच ई, तो ये 0.51 थे टोटल, माइनस एन एच टू कितना है 0.4 प्लस 0.03, तो यहां से मेरे पास एन ऑफ सी एच फोर भी आ गया दैट इज 0.084, तो ये हो गया जी हमारे पास तीनों के नंबर ऑफ मोल्स निकले। अब तीनों के नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी मौजूद हैं, तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा उनकी फ्रैक्शन, हाइड्रोजन हीलियम मीथेन, एन एच टू मेरे पास कितना है एन एच ई और एन ओ सी एच फोर, एन एच टू मैंने अभी निकाला ऊपर, इसको मैं दोबारा से लिस्ट डाउन कर देता हूँ, ये है जी 0.4, ये है जी 0.03 और ये है 0.084, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.51 थे, तो एक्स ऑफ एच टू इज इक्वल टू एन ऑफ एच टू डिवाइडेड बाय एन ऑफ टी 0.4 डिवाइडेड बाय 0.51, ये आ जाएगा जी 0.784, ये आ गई एक्स एच टू। सिमिलरली एक्स ऑफ एच ई विल बी एन ऑफ एच ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ टी, एन एच ई 0.03 है और एन टी 0.51 टोटल, तो ये मेरे पास आ जाएगी 0.058,
अब मैं निकाल लेता हूँ मीथेन के, मीथेन के हो जाएंगे जी x ऑफ सी एच फोर इज इक्वल टू एन ऑफ सी एच फोर डिवाइडेड बाई एन ऑफ टी, ये होता है जी 0.084 डिवाइडेड बाई 0.51। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.164। ये तो था तीनों गैसेस का हमने क्या निकाल लिया मोल फ्रैक्शन x of H2, x of He and x of CH4। अब हम इन मोल फ्रैक्शंस को यूज करते हुए अपनी पार्शियल प्रेशर को निकाल लेंगे। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है P of any component A is equal to x of A into total pressure। अब उसी तरह हाइड्रोजन हीलियम एंड मीथेन P of H2 is equal to x of H2 into PT, P of HE is equal to x of HE into total pressure, and partial pressure of methane is equal to mole fraction of methane multiplied by total pressure। इसको अब मैं मल्टीप्लाई करूं अगर तो x of H2 जो हमने निकाली थी वो थी 0.784 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर, टोटल प्रेशर हमें शुरू में गिवन था 180, तो ये आंसर आ जाएगा 0.784 80। सिमिलरली एक्स ऑफ एच ई ये हमने निकाला 0.058 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर 1, तो ये आ जाएगा जी 1, तो जब मल्टीप्लाई होगा 0.058 ऑफ हीलियम का पार्शियल प्रेशर। इसी तरह ये भी 1 से मल्टीप्लाई होके वही रहेगा 0.164 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो जाएगा जी 0.164 ATM। लेकिन अब यहाँ पे आखिरी काम जो हमारा रह गया है दैट इज उसकी कन्वर्जन। उसने हमें कहा था जी पार्शियल प्रेशर हमें आंसर दो इन टॉर्स, ये ATM में हमारे पास आंसर है। तो टॉर्स के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 760 से। क्यों? क्योंकि एक ATM के अंदर 760 टॉर्स होते हैं, ये हम पढ़ गए हैं। तो 0.784 मल्टीप्लाई बाय 760, 0.058 मल्टीप्लाई बाय 760 एंड 0.164 मल्टीप्लाई बाय 760, यहां से मेरे पास प्रेशर आ जाएंगे टॉर्स के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा 589.76 टॉर, ये इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 44.08 टॉर, और इसका पार्शियल प्रेशर मेरे पास आ जाएगा 124.64 टॉर। तो ये जो हमारे पास आंसर था इनके पार्शियल प्रेशर निकालने का, वो हमने इस तरीके से अपने आंसर निकाल लिए। ये तीन हमारे आंसर हैं। सिंपल न्यूमेरिकल था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि दो का मैथ गिवन था और थर्ड का हमने निकालना था। तो ये था जी इक्वेशन, डाल्टन लॉ क्या था उसकी इक्वेशंस पढ़ी और उन इक्वेशंस को फिर अप्लाई भी किया अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब आगे डाल्टन लॉ की एप्लीकेशंस थोड़ी सी आ रही हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो एक्वस टेंशन से रिलेटेड है। अब एक्वस टेंशन क्या होता है, जब हमने, अगर आपको याद हो आपके मैट्रिक के प्रैक्टिकल में, कुछ जो उनकी गैसेस हैं वो कलेक्ट की थी ओवर वाटर, पानी के साथ, पानी के अंदर से वो बबल अप होके बाहर आती है। जब वो गैस पानी में से बबल अप होके बाहर आएगी, इस तरीके से हम कुछ गैसेस को जो है अपनी लैब के अंदर कन्वर्ट करते रहे, यहाँ से गैस आती थी और वो ये बबल अप होके पानी में से बबलिंग होके इसमें इकट्ठी होती थी। तो जब वो गैस हमारे पास इकट्ठी होती है तो वो अपने साथ वाटर वेपर्स को भी कैरी करके ले आती है और मॉइस्ट गैस बन जाती है, गीली हो जाएगी ना, उसके अंदर वाटर वेपर्स मौजूद होंगे, नमी होगी। अब जो हमें टोटल प्रेशर उसका होगा वो होगा प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स,
राइट, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स को हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। तो एक्वस टेंशन प्लस उस गैस का जो प्रेशर है वो होता है, दोनों को जमा करें तो टोटल प्रेशर बनेगा। यही हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास गैस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कह रहा है। अब ये जो टी है ये मॉइस्ट गैस का है, तो इसको वो आपके बुक में पी मॉइस्ट भी लिख रहा है। मॉइस्ट गैस का प्रेशर है ना, जो कि गैस का प्लस एक्वस टेंशन के बराबर है। तो हमें तो गीली गैस का तो हमें प्रेशर नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए ड्राई गैस का। तो पी ऑफ ड्राई क्या होगा कि अगर मैं पी ऑफ मॉइस्ट में से, मॉइस्ट प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस कर, तो ये फार्मूला हम अपनी डेली लाइब्रेरी के लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये डॉल्टन लॉ की पहली एप्लीकेशन थी कि किस तरह से ये एप्लीकेबल भी है या नहीं। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी गैस का जो पानी में से गुजार के हम कलेक्ट करते हैं उसकी हम प्रेशर निकाल सकते हैं। ये पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन है जी इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होती है, जो हम सांस लेने का अमल है उसको रेस्पिरेशन हम कहते हैं। अब ये अगर इंसानी लंग्स हैं, मैं लंग्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है, और इंसान जो है इसके ऊपर यूं, यहां से हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं जब हम अंदर उसको गैस को लेके जाते हैं। अब हमारे लिए सांस लेना क्यों आसान होता है, क्योंकि जो एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो होता है जी 159 टोर, और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज 116 टोर। अब यहाँ बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो बाहर से गैस अंदर आसानी से मूव कर जाती है, इसी वजह से हम सांस लेने में हमें आसानी होती है। और उल्टा केस होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ज्यादा होता है, लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर जो है वो लेस होता है। तो जब हम सांस ले चुके हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बड़ी आसानी के साथ हमारे बॉडी से बाहर आ जाती है। जितने भी जानवर हैं उन सब के अंदर ऑक्सीजन का जो एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर है उसकी निस्बत लंग्स के अंदर कम होता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ सके। तो ये एक और एप्लीकेशन थी रेस्पिरेशन के हवाले से डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। थर्ड एप्लीकेशन इज हाइट। जब भी हम हाइट पे जाते हैं ना, ऑल्टीट्यूड्स के ऊपर, तो क्या होता है, हम आसानी से कंफर्टेबल सांस नहीं ले सकते। वो कह रहे हैं जी जो पायलट्स होते हैं जहाजों के, वो अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग होती है उनकी बहुत ज्यादा ऑल्टीट्यूड्स पे, बहुत ज्यादा हाइट पे। क्यों? क्योंकि जो एयर का प्रेशर है वो 159 टोर होता है ऑक्सीजन का एयर के अंदर, लेकिन अब चूंकि वो हाइट पे है तो प्रेशर का डिफरेंस है, अनप्रेशराइज्ड केबिन के अंदर जो होती है वो उनकी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती, उन सांस आसानी से नहीं ले सकते, क्योंकि एयर का प्रेशर जो होता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर चेंज हो गया होता है ज्यादा हाइट के ऊपर। और आखिरी जो है दैट इज डेप्थ। जब भी हम बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे सी डाइविंग में, समुंदर के नीचे, तो क्या होगा, प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट होगा। अब वो कह रहे जी जितने भी डीप सी डाइवर्स होते हैं ना, वो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर जो होता है ना, इस तरीके का लेके जाते हैं, मिक्सचर एडजस्ट करते हैं कि जो प्रेशर हो ऑक्सीजन का सांस लेने वाला वो नॉर्मल रहे, बहुत ज्यादा प्रेशर के नीचे भी उसको इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है, वो कहते हैं जी हर 100 फीट नीचे समुंदर के डेप्थ में अगर आप जाते जाएं तो आपके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो 3 ATM बढ़ता जाता है। हर 100 फीट के बाद 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बढ़ रहा है। हम जो जमीन की सरफेस के ऊपर सांस लेते हैं तो हमारे ऊपर 1 ATM प्रेशर है उस पे जो सांस ले रहे हैं, और 100 मीटर नीचे जो 4 ATM हो चुका है, अब 3 ऐड हो जाएगा ना जब आप 100 फीट नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पे अब ये बंदा होगा तो इसके ऊपर 1 ATM ये और 3 ATM इस पानी का प्रेशर जो होगा ये 4 ATM हो जाएगा। अब 4 ATM पे उसी आसानी से आप गैस का सांस नहीं ले सकते, इसलिए आप क्या करते हैं, बाहर से सिलेंडर जो होता है, डाइवर्स हैं वो अपने पीछे सिलेंडर कैरी करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ताकि वो सांस आसानी से
ले सकें। अब सवाल ये पैदा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हीलियम क्यों ऐड किया है, हीलियम तो इनर्ट गैस है लेकिन एयर के अंदर तो नाइट्रोजन होती है, तो आप नाइट्रोजन का मिक्सचर क्यों नहीं ले जाते सिलेंडर के अंदर डाल के डीप सी में। तो उसकी वजह भी वो यहाँ पे बता रहा है कि बहुत ज्यादा जब प्रेशर के ऊपर, जब प्रेशर हाई होगा, नाइट्रोजन जो होती है, अब हम नॉर्मल जब सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन जितनी हमारे मुंह के अंदर से बॉडी में लंग्स में जाती है उतनी की उतनी बाहर आ जाती है, डिफ्यूज ब्लड में नहीं जाती। लेकिन हाई प्रेशर के ऊपर इसका प्रेशर जो होता है ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये आपकी ब्लड के अंदर भी जा सकती, हाई प्रेशर के अंदर ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। इसी वजह से जब वो ज्यादा नीचे डीप सी डाइवर्स जाते हैं तो वो ऑक्सीजन का नाइट्रोजन के साथ मिक्सचर नहीं लेते, वो हीलियम के साथ मिक्सचर लेते हैं ताकि ये आपके ब्लड के अंदर ना चली जाए, नाइट्रोजन हाई प्रेशर पे ब्लड के अंदर चली जाती है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। तो आज जो चीजें हमने स्टडी की हैं उनको मैं समराइज कर दूं। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने पढ़ा, स्टेटमेंट देखी, एक्सप्लेनेशन उसकी देखी कि तीन सेम जो गैसेस होंगी, अगर तीन गैसेस हैं उनको सेम वॉल्यूम पे रखा हुआ है, उनको अगर मैं कंबाइन कर दूं सेम वॉल्यूम के अंदर तो वो उनका प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट ही रहेगा। उसके बाद हमने उसकी स्टेटमेंट्स के बाद इक्वेशन देखी, कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशन में जो फाइनल इक्वेशन निकली थी वो ये थी कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन और उसके टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करके निकल आता है। इसको फिर हमने सॉल्व किया अपने न्यूमेरिकल के अंदर, और लास्ट में हमने पढ़ी एप्लीकेशन ऑफ लॉ डाल्टन प्रेशर। ये हमारा आज का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम हम अगला टॉपिक स्टडी करेंगे।